नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ तुला राशि का मासिक राशिफल अगस्त सन 2020 को लेकर के। आजकल हमारा जो विषय है वह मासिक राशिफल को लेकर के है और मेष राशि से लेकर के कन्या राशि पर्यंत मैंने आपको आपके राशि का शुभाशुभ फल बताया। और अब जो अगली राशि है वह राशि है तुला राशि। तो क्या विशेष प्रभाव रहेगा तुला राशि के जातकों पर इस अगस्त के माह में, कैसी आपके लिए ग्रह गोचर व्यवस्था बन रही है, किस प्रकार से आपका स्वास्थ्य रहने वाला है, कैसा आपके कार्य क्षेत्र व व्यवसाय में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं और किस प्रकार के आपकी आय रहने वाली है इस अगस्त के माह में, इन तमाम बातों पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ ही बात करेंगे कि कौन सी वह तिथियां होंगी जो तुला राशि के जातकों के लिए इस अगस्त में सर्वश्रेष्ठ व लाभप्रद तिथियां साबित होने वाली हैं और कौन सी तिथियों में आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि आपको किसी भी प्रकार की हानि न हो। तो आए प्रारंभ करते हैं। मैं यह राशि फल प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह राशि फल चंद्र कुंडली पर आधारित है, अर्थात इसको लग्न कुंडली से न जोड़ें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 7 अंक जहां पर लिखा है वहां पर चंद्रमा स्थित है तो निश्चित रूप से आपकी तुला राशि बनेगी और यह राशि फल आपके लिए है। तो आए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम एक दृष्टि डालेंगे तुला राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था। तो तुला राशि के जो स्वामी हैं वह शुक्रदेव हैं और शुक्र और राहु मिथुन राशिगत आपके लिए भाग्य स्थान में स्थित हैं, तो वहीं सूर्य और बुध दशम स्थान कर्क राशि में स्थित हैं। शनिदेव जो कि आपके लिए बहुत ही योगकारक ग्रह हैं वह मकर राशिस्थ चतुर्थ स्थान में स्थित रहने वाले हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति और केतु धनु राशिस्थ पराक्रम के स्थान पर यानी तृतीय स्थान पर तृतीय भाव में स्थित रहने वाले हैं और मंगल मीन राशिगत छठे स्थान पर स्थित है महाप्रारंभ में। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम आपको बता दें कि 16 अगस्त को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव जो अभी तक आपके लिए कर्म स्थान में स्थित थे वह अब सिंह राशि में आ जाएंगे अपनी स्वराशि में और आपके लिए लाभ स्थान पर स्थित होंगे, तो वहीं 16 तारीख को ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल सप्तम स्थान में स्थित हो जाएंगे जो कि उनकी भी स्वराशि है, मेष राशि में आ जाएंगे। 17 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और बुध भी राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ पंचम राशि यानी सिंह राशि लाभ स्थान में जाकर के बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो 31 तारीख को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में आ जाएंगे जो कि आपके राशि स्वामी हैं और दशम स्थान में स्थित होंगे और शनि के उन पर पूर्णतः दृष्टि होगी, तो यह भी एक अच्छा योग आपके लिए बनने जा रहा है। तो यह तो आपकी ग्रह गोचर व्यवस्था रहेगी। संपूर्ण अगस्त के माह में अब सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त के माह में स्वास्थ्य के लिहाज से खुशखबरी है कि आपको बहुत किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं और बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में आप आने वाले नहीं हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से स्वास्थ्य आप स्वस्थ रहेंगे, हालांकि छोटे मोटे और बदलते मौसम के साथ फिर भी सतर्कता के साथ आपको रहना चाहिए, सावधानी के साथ अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। और वर्षा ऋतु का आगमन तो हो ही गया है, वर्षा ऋतु प्रारंभ है, तो ऐसे मौसम में जुकाम इत्यादि से आपको निरंतर बचकर चलना चाहिए, विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें व समस्याएं आपको अगस्त के माह में दिखाई नहीं पड़ते हैं कुंडली के माध्यम से, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बात करें आपके कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, वहाँ पर सूर्य और बुध स्थित रहने वाले हैं 16 अगस्त तक, और 16 अगस्त तक यहाँ पर सूर्य रहेंगे, साथ ही शनिदेव की पूर्णतः दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ विघ्न बाधाएं तो आपकी निरंतर आएंगी क्योंकि शनिदेव की शत्रुता दृष्टि होगी और शत्रुगत दृष्टि होने से कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाओं का सामना तो आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आपके कार्य कुछ विलंबित जरूर होंगे लेकिन सिद्ध भी अवश्य होंगे, अर्थात जो भी कार्य
आप कर रहे हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, उसी में आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। क्योंकि राशि स्वामी और शुक्र और राहु की युति भाग्यस्थान में बनी हुई है, तो यहाँ पर शुक्र और राहु भाग्यस्थ हैं जो कि मित्रवत ग्रह हैं, तो यहाँ पर भाग्य में भी आपकी वृद्धि होगी और काफ़ी सफलता, काफ़ी परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलना आवश्यक है। अर्थात निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी कार्य क्षेत्र में। व्यवसाय वर्ग के लिए 16 तारीख तक तो आपको उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है अपने व्यवसाय में, लेकिन जैसे ही मंगल अपनी स्वराशि में आएंगे तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा और आपका जो व्यवसायिक क्षेत्र है वह जोर पकड़ेगा, अर्थात बहुत तेजी गति से आगे बढ़ने वाला है। अर्थात व्यवसाय वर्ग के लिए भी 2 सप्ताह पर्यंत, सर्वप्रथम जो 2 सप्ताह हैं अगस्त के, उनमें किंचित मात्रा से आपको कष्ट हो भी जाए, लेकिन जो अंतिम 2 सप्ताह हैं उनमें स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए। साथ ही गुरु और केतु जो कि धनुराशिस्थ पराक्रम स्थान में है, तो पराक्रम के साथ साथ अपने क्रोध पर आपको संयम रखना होगा। जब तक कि शुक्र भाग्यस्थ हैं तब तक आपके कार्य विघ्न बाधाओं के बावजूद भी आपके कार्य में निरंतरता बनी रहेगी और आपकी अच्छी स्थिति रहेगी कार्य क्षेत्र में। पराक्रम के साथ साथ जल्दबाजी करने से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। बात आय की जाए तो आय के स्वामी बनते हैं आपके लिए सूर्यदेव, और सूर्यदेव कर्म स्थान पर स्थित हैं, अर्थात जिस प्रकार का कर्म होगा, जिस प्रकार के आपका कार्य क्षेत्र होगा, उसी प्रकार से आपकी आय रहेगी। लेकिन इसमें भी वृद्धि होने वाले है अगस्त के माह में। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपकी जो कारोबार और कार्य क्षेत्र से जो भी आपने परिश्रम किया है उसका फल आपको मिलेगा और आय आपकी अच्छी स्थिति में रहेगी, और उस आय से आप अपने ऊपर भी खर्च करने वाले हैं, सुख सुविधाओं पर अपने संपूर्ण सुख सुविधाओं का आप लाभ उठाने वाले हैं अगस्त के माह में। तो 16 तारीख के बाद आपकी आय भी अच्छी रहेगी, आय के मामलों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पिता के माध्यम से, बड़े भाई के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। बात चंद्रमा की करें तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह हैं, यह 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, 6, 8, 12 भाव में होते हैं, तो उनमें अत्यंत क्रूरता भी देखी गई है, और फलस्वरूप 1 माह के भीतर हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे, 6 से 8 दिवस ऐसे होते हैं जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता व कलह क्लेश का वातावरण देखने को मिलता है। तो कौन सी वह तिथियां होंगी, जो तिथियां आपको जिनमें सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए, यह मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पूर्व बताऊंगा शुभ तिथियां। तो तारीख 2, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 और 31 अगस्त तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी तिथियां रहने वाले हैं। तो वही तिथियां 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26 और 30 अगस्त को विशेष रूप से आपको सतर्क व सावधान रहना चाहिए, तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करेगा।